नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में हेट स्पीच को लेकर निष्पक्षता पर घिरे फेसबुक को सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसद की स्थायी समिति ने 2 सितंबर को तलब किया है। संसद की स्थायी समिति इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के कथित दुरुपयोग पर सवाल जवाब कर सकती है। संसदीय समिति ने फेसबुक के अफसरों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों को भी बैठक में मौजूद रहने को कहा है। फेसबुक को तलब किए जाने संबंधी जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विषय पर चर्चा होगी। इस दौरान सोशल और ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन हैं। हालांकि फेसबुक को ये सम्मान स्थायी समिति के सदस्यों के बीच खींचतान के बीच आया है। समिति के सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शशि थरूर पर संसदीय नियम कायदों के उल्लंघन और कमेटी की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मैंने चिट्ठी लिखी है कि जो पार्लियामेंट का रूल है 283 और उसके साथ 258(3), उसके अंतर्गत जो चेयरमैन के तौर पर शशि थरूर साहब का बिहेवियर है या जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं, उनको जो है ये आईटी कमेटी के चेयरमैन से मैंने कहा है, स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको परसुएट करिए कि वो कमेटी की मीटिंग नहीं लें और उनको चेयरमैन से हटाइए। उसके पीछे रीजन ये है, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाते, समाज के एक व्यक्ति के नाते मैं आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते मैं आपको एक बात करना, क्योंकि मैं फाइनली बीजेपी का एमपी हूं, कि हम किसी सोशल मीडिया के पक्ष में नहीं खड़े। मैं पहला एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होऊंगा जिसने कि ये जीतने के बाद जो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई पार्लियामेंट 3 जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 में दो बार लोकसभा के अंदर मैंने कहा कि जैसे प्रिंट मीडिया रेगुलेट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेट होती है, उसी तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट करिए, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ का आता पता नहीं होता है, बायस्ड न्यूज़ चलती है, फेक न्यूज़ चलती है, लोगों की प्राइवेसी ये होती है। तो इसलिए हम किसी को रोकने के चक्कर में नहीं है कि फेसबुक आ जाए, ट्विटर आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको तो हम खुद ही उसके एग्रीव्ड पार्टी हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी के भी 700 पोस्ट जो है फेसबुक ने किसी न किसी कारण से हटाए हैं, तो इसलिए किसी के बचाव का सवाल नहीं है। लेकिन जो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है, कोई भी कमेटी है वो चार चीजों के लिए बनती है। एक तो कमेटी ये बनती है कि आप डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स का जो है चर्चा करेंगे, दूसरी बात ये है कि आपके पास यदि बिल आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, तीसरी बात ये है कि नेशनल इंटरेस्ट का कोई विषय होगा तो उसकी बात करेंगे, और चौथी बात मिसलेनियस होती है कि यदि लगता है कि समय समय पर इस कमेटी को कुछ करना है तो वो कमेटी के मेंबर्स के साथ मिलकर जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करती है। इसमें मैं बताऊं कि हमेशा शशि थरूर साहब पहले बयान दे देते हैं, पहले ट्वीट आ जाएगा, अखबारों में पहले छपेगा, बाद में जब हम लोग कमेटी के मीटिंग में जाएंगे तो पता चलता है कि इस पर बात होने वाली है। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसबुक ने कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपने हेट स्पीच नियमों को लागू नहीं किया था, क्योंकि इससे उसे भारत में अपना बिजनेस प्रभावित होने का डर था। इस खुलासे के बाद भारत की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल फेसबुक और केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये मामला कहां जाकर खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।